विद्यार्थी मित्रों, आज आप विषय हिंदी भणवानो छे। हिंदी में आज हमें पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय में हमें रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ने हैं। रचना का स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार है। प्रथम प्रकार है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इन तीन ही प्रकार के वाक्य को हम आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। इसका पहला प्रकार है वह सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं। विधवा में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं विधेय है। सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विस्तार तथा विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें प्रथम उदाहरण है भार्गव ने पढ़ा। यहाँ भार्गव पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ भार्गव है वह कर्ता है और पढ़ा वह क्रिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कर्ता और की क्रिया। इस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। इस सरल वाक्य में एक विधेय होता है और एक का उद्देश्य होता है। तो यहाँ भार्गव है वह उद्देश्य है और पढ़ा वह विधेय है। और दूसरा उदाहरण देखिए तो भार्गव पढ़ रहा है। इसमें भार्गव है वो कर्ता है और पढ़ रहा है वहाँ क्रिया हुई है पढ़ने की, इसलिए वहाँ क्रिया का विस्तार से लिखा गया है, लिखा गई है, इसलिए वहाँ क्रिया है वह विस्तार से कहा गया है। तीसरा उदाहरण है पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। यहाँ देखो भार्गव है पर कहाँ रहने वाला है वो उसको विस्तार से बताया गया है। इसमें यहाँ पड़ोस में रहने वाला यह विस्तार है और भार्गव वो करता है, पढ़ रहा है वह क्रिया का विस्तार किया गया है। चौथा उदाहरण है भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया बताई गई है। भार्गव है वो कर्ता है, पुस्तक है वो कर्म है और पढ़ी वो क्रिया है। पांचवा उदाहरण है भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी। यहाँ भार्गव है वो कर्ता है, पिताजी और पुस्तक दोनों कर्म है और क्रिया है वो दी, देने का जो कार्य हुआ है वो क्रिया है। छठा उदाहरण है भार्गव ने अपने प्रिय पुत्र को कहानी की पुस्तक दी। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भार्गव है वह कर्ता है और अपने प्रिय मित्र, तो मित्र तो है पर उसका कर्म मित्र है उसको विस्तार से कहा गया है। किसका मित्र है तो अपने प्रिय मित्र को, तो भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को, यहाँ कर्म का विस्तार हुआ है और बाद में कहानी है वह भी कर्म है और कर्म का विस्तार हुआ है और क्रिया पुस्तक देने की क्रिया है। यहाँ हमने आज सरल वाक्य पढ़ा, तो सरल वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ पहले ही उसकी व्याख्या दी गई है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है वो सामान्य या सरल वाक्य है। उसमें एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही कर्ता, कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है, ऐसा सरल वाक्य कहा जाता है। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की व्याख्या है जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप देख सकते हैं संयुक्त वाक्य एटले कैसे वाक्य, संयुक्त एटले दो या तीन वाक्य जुड़े होते हैं, एक मुख्य वाक्य रहता है, एक वाक्य है वो दोनों अलग अलग रहते हैं पर दोनों साथ में जुड़े रहते हैं। जिस वाक्य में दो उपवाक्य, उप यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऐसे वाक्य है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कौन से अवयव से, समुच्चय बोधक अवयव से वो जुड़े रहते हैं। जैसे
मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दो वाक्य है। कौन से दो वाक्य? तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, तो यहाँ और है वह योजक, समुच्चय बोधक, बोधक योजक है। तुम लिख रहे हो, एक लिखने का कार्य कर रहा है, एक पढ़ने का कार्य कर रहा है। ये दोनों वाक्य एक साथ जुड़कर संयुक्त वाक्य बन जाता है। वाक्य में दो उपवाक्य है एवं और समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़े हैं। अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। इसलिए जो संयुक्त वाक्य है उसके दो या तीन जो भी वाक्य रहते हैं वो स्वतंत्र भी हम लिख सकते हैं। या हम देख सकते हैं कि जहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये संयुक्त रीति या संयुक्त है, पर वह स्वतंत्र रीत से भी हम लिख सकते हैं। तुम लिख रहे हो वो भी स्वतंत्र रूप से हम लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आधार नहीं रखते, दोनों स्वतंत्र रूप से भी हम लिख सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, तो मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना। यहाँ सत्य केतु और उसकी पत्नी की बात की गई है, वो दोनों का संयुक्त वाक्य है और समय समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ है। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। आया इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि सत्य बोलने की बात है, पर वह कैसा होना चाहिए? अप्रिय न होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। तीसरा उदाहरण है, तुम नहीं जा सकते हो, बेटे को भेज देते। चौथा उदाहरण है, साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, संयुक्त वाक्य में ऐसी बात नहीं है कि संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक अवयव है वो आ ही सकते हैं, कहीं भी लोप भी, लोप यानी वहाँ से दूर हो जाते हैं, फिर भी हमें उसका उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ दूसरे भी वाक्य दिए गए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाक्य में दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, वो और का लोप हो गया है। दुनिया में जो भी रहने वाला है वो रहने वाला है, नहीं रहने वाला वो यहाँ से जाने वाला है, ऐसा बात हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या सोचा था, क्या हो गया? यहाँ क्या सोचा था, हमने अपनी सोच क्या थी और क्या हो गया, यहाँ पर का लोप हुआ है। काम किया है पैसा तो लूँगा ही, इसलिए काम किया है इसलिए पैसा तो लूँगा ही, ये इसलिए वह लोप हुआ है। ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़ते तो है पर वह स्वतंत्र रीत से भी आ सकते हैं। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ हमने आगे देखा सरल वाक्य जो एक ही वाक्य रहता है, और संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनते हैं, और मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में जो वाक्य है उसका एक दूसरे के साथ कोई संबंध या एक दूसरे के साथ संबंध तो रहता है पर वह स्वतंत्र रूप से भी आ सकते हैं, वो हम स्वतंत्र रूप से भी उसे पढ़ सकते हैं। पर मिश्र वाक्य का ऐसा नहीं होता है, मिश्र वाक्य जो एक वाक्य है वो प्रधान वाक्य रहता है और दूसरा वाक्य उसके साथ जुड़कर आ रहा है। यहाँ हम उदाहरण देखते हैं तो हमें वो मालूम रहेगा कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य है वो प्रधान यानी मुख्य रहेगा और दूसरा वाक्य है उसके आधार पर आएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की उपेक्षा होती है। यानी मिश्र वाक्य में जो एक वाक्य प्रधान रहता है प्रथम वाक्य, उसके साथ दूसरा वाक्य आश्रित होता है, वो उसके आधार पर वो वाक्य हमें पढ़ना चाहिए या उसके आधार पर वो वाक्य यहाँ आता है, ऐसा मिश्र वाक्य रहता है। हम पढ़ेंगे या उदाहरण देखेंगे तो तुरंत आपको मालूम गिरेगा
कि एक वाक्य है उसमें प्रथम वाक्य है वो प्रधान है, मुख्य वाक्य है, उसके आधार पे दूसरे वाक्य है वो उसके साथ जुड़कर आते हैं। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं रहता। संयुक्त वाक्य में आपने अगर देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो वो दोनों स्वतंत्र वाक्य है, दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों संयुक्त के साथ संयुक्त वाक्य बनने के लिए दोनों एक साथ आ सकते हैं, पर वो दोनों सरल वाक्य भी अलग अलग हो सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे, ये बात है वो अलग अलग आ रही है। पर मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है। मिश्र वाक्य का प्रधान वाक्य है उसके साथ दूसरा उसके आधारित वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ हम उसके उदाहरण देखते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, या मैं देखता हूँ वो मुख्य वाक्य है, देखने की क्रिया है, और तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये तुम मेहनत नहीं कर रहे हो वो देख रहा है उसके साथ आश्रित या उससे अनुचित वाक्य बन रहा है। या मैं देखता हूँ वो आ रहा है अकेला, पर तुम मेहनत नहीं करते हो, उसमें हम मेहनत नहीं कर रहे हो वो मालूम गिरेगा, पर एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से वो लिख सकते हैं। नहीं, हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलस्सो भरता है। तीसरा वाक्य है, सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। जो यहाँ सविता को पुरस्कार मिला है, पर क्यों मिला है कि उसने एक अच्छा गीत सुनाया है, इसलिए उसने एक अच्छा गीत सुनाया है। वो स्वतंत्र रूप से आएगा तो तुरंत अपने ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कौन सा गीत सुनाया, ऐसा प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से, किसने गीत सुनाया, तो सविता ने, उसको पुरस्कार मिला। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ भारत देश की विशेषता बताई गई है कि वहाँ सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, यहाँ सूरज उगने का कार्य हुआ उसके साथ अंधेरा भागने का भी कार्य हुआ है।